बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बिज माई एम टी टी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेटफॉर्म्स वेयर यू विल डू योर मेडिकल बिलिंग एंड यू विल योर क्लाइंट विल हायर यू एंड प्रोवाइड यू सर्विसेज फॉर सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो अदर थिंग्स सो यू कैन डू द मेडिकल बिलिंग फॉर देम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे आपने मेडिकल बिलिंग करके देनी है अपने क्लाइंट्स को, और क्लाइंट्स आपको हायर करेंगे और वो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उनके लिए मेडिकल बिलिंग की सर्विसेज दे सकें और अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकें। तो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नॉट मिस एनी वीडियोज फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो रेवेन्यू साइकिल डिस्कस किया है, एंटिटीज डिस्कस की, इंटरमीडिएटरीज डिस्कस की हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बेशक आप यहाँ से मिड से नहीं शुरू करेंगे। अगर आप स्टार्ट से लेक्चर वन से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि मेडिकल बिलिंग क्या है, रेवेन्यू साइकिल क्या है, RCM क्या है, एंटिटीज़ क्या है, एंटिटीज़ के अंदर सब हेडिंग्स क्या है, इंटरमीडिएटरीज क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं लाई करती हैं, देन फिर आप प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे और आने में आप एक नोटिस और टर्मिनोलॉजीज पे शिफ्ट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। तो सबसे पहले EHR होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो अब हमारे पास जो है EHR होता है, EHR क्या है? EHR है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। अबाउट में हम डिस्कस करेंगे कि अबाउट ये क्या है, उसके बाद एडवांटेज डिस्कस करेंगे, देन फीचर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इज़ अ डिजिटल वर्जन ऑफ पेशेंट पेपर चार्ट। EHR आर रियल टाइम पेशेंट सेंटर्ड रिकॉर्ड डेट मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इंस्टेंटली एंड सिक्योरली टू ऑथराइज्ड यूजर्स। EHR एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर होता है जो जिसमें पेशेंट्स का तमाम रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर हमें कोई किसी भी पेशेंट्स का डाटा निकालना हो, लेट्स सपोज हमने अपना डाटा निकालना है तो हम अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे या अपना नेम डालेंगे तो हमारा सारा प्रीवियस रिकॉर्ड आ जाएगा कि उसने इस टाइम पे इस डेट को ये चीज़ डायग्नोज की थी, ये सर्विसेज ली थी मेडिकल की, ये इसको प्रिस्क्राइब हुआ था, ये इसके फिजिशियंस का नाम था, ये इसका डॉक्टर था, ये इसकी नर्स हेल्थ केयर थी, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसके अगेंस्ट जो है ना उसकी EHR सिस्टम में आ जाती हैं। और इसमें जो है आपकी सारी मेडिकेशन, ट्रीटमेंट प्लान्स, इम्यूनेशन स्टेट्स, एलर्जीज, रेडियोलॉजीज, इमेजेस, सारा कुछ इसमें सिक्योरली सेव होता है। और ये जो है आपके एक ऑथराइज्ड यूज़र जो भी होगा, आपका फिजिशियन हो सकता है, आपका प्राइमरी केयर हेल्थ वर्कर हो सकता है, उसको एक्सेसिबल होता है। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस, EHR के एडवांटेजेस क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर पेपर वर्क होगा तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा कि आपका पेपर गुम भी हो सकता है, आपको नहीं भी मिलेगा ऑन टाइम अगर आपको चाहिए, और आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जबकि EHR जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं कि एनेबल्स करता है, आपको क्विक एक्सेस देता है, आपका रिकॉर्ड मेंटेन अच्छा होता है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपनी चीज़ों को कि मुझे पिछले वीक में या पिछले इयर्स में कौन सी डेट्स को क्या चीज़ हुई थी। आप अपना सारा प्रीवियस रिकॉर्ड इंश्योर कर सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ थी और उसके अगेंस्ट आपको कितने चार्ज हुए थे, सब कुछ जो है एक प्रॉपर वे में मैनेज होता है। तो ये एक एडवांटेज है, ईजिली एक्सेसिबल है, और जो है आपका मेडिकल एरर्स रिमूव करना आसान है, अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है तो उसको भी क्लियर किया जा सकता है ईजिली। अब आ जाते हैं कि फीचर्स क्या हैं। फीचर्स क्या हैं कि आपको क्रिएट करता है डेमोग्राफिक क्लेम्स इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, आप अपनी क्लेम्स आराम से कर सकते हैं, आप ई क्लेम्स में अपनी रिसीव कर सकते हैं EHR में, और जो है आपका जो सारा डाटा है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपसे अपना डाटा मांगती है तो आप इजीली उनको वो रेफरेंस नंबर दे के तो अपना जो है ना डाटा शेयर कर सकते हैं, अपना लेबोरेटरी डाटा देख सकते हैं, मेडिकल इमेजेस देख सकते हैं। तो ये इसकी फीचर्स हैं। अब आ जाते हैं कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट क्या है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी, उसके भी अबाउट ऑन फीचर्स हम डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट में ये है कि मेडिकल प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर PMS जिसे कहते हैं, एक EHR होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हेल्थ केयर रिकॉर्ड होता है, और एक होता है PMS प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसकी कैटेगरी हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर है डेट डील्स विद द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस। सो सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू कैप्चर पेशेंट डेमोग्राफिक, शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मेंटेन लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस पेयर्स, परफॉर्म बिलिंग टास्क एंड जनरेट रिपोर्ट्स। अब जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअल में EHR के साथ इंटरलिंक्ड होता है।
क्योंकि जब ई एच आर में डाटा जाता है तो वो पी एम एस से ही डाटा जाता है। पी एम एस एंड ई एम आर ओवरलैप्स होते हैं, और जो है फॉर एग्जाम्पल पेशेंट एंड प्रोवाइडर्स डाटा इन जनरल ई एच आर सिस्टम इज यूज टू असिस्टिंग द प्रैक्टिस विद द क्लिनिकल मैटर्स, वाइल पी एम एस इज यूज टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड फाइनेंशियल मैटर्स। ई एच आर क्या है कि वो अपना पेशेंट का डाटा और डॉक्टर्स के बीच डाटा लिंक्ड है। पी एम एस आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव का लिंक है जो कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स को डील करता है। Medical practices often hire different vendors to provide EHR and PMS systems. The integrations of EMR and PMS software is considered one of the most challenging aspects of the medical practice management software implementation. इनको जो है खरीदा जाता है, दो सॉफ्टवेयर हैं, EHR electronic health records and PMS एचआर प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। प्रैक्टिस मीन्स कि आप जो डॉक्टर है जो आपको पर जो है प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो जो डाटा आपका है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा है, जिसने डॉक्टर्स को हायर किया है, चीज़ों को हायर किया, तो उनका डाटा इनके डाटा के साथ इंटरलिंक किया जाएगा, तभी जाके आपका जो है एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनता है जिसको कहते हैं मेडिकल बिलिंग इनकोडर या सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं फीचर्स। मोस्ट प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंटेन सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू एंटर एंड ट्रैक पेशेंट्स। ठीक है, इसमें हम पेशेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कि किस, और जिस तरह देखें, अगर इसकी मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल दूँ, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक बाहर एक बंदा बैठा होता है जिसके साथ आप अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, आप जाते हैं कॉल करते हैं, वो कॉल अटेंड करता है, आपके अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, नाम लिखता है और आपको एक स्लिप बना के देता है कि इतने के चार्जेस हो गए हैं आपके अपॉइंटमेंट के और आप डॉक्टर को अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर है कि पी एम एस में आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स किया, अपॉइंटमेंट में आपकी पेमेंट आई, पेमेंट के बाद आपने ट्रैक अपॉइंटमेंट की, आपके किस डेट को अपॉइंटमेंट है, आपने अगर क्लेम सेंड किया है उसको इंश्योरेंस को, तो वो भी पी एम एस में जाएगा। मीन्स आप उस बंदे के साथ डील कर रहे हैं जो कि आपसे पेमेंट लेता है या जो आपके अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, तो वो पी एम एस है। अब ई एच आर क्या है, वो डॉक्टर के पास होता है कि आपको मैंने ये डायग्नोस किया, ये आपका वो है ई एच आर है, आप इसमें इस डेट को आ गई थी, इस डेट को ये रिकमेंडेशंस थी, इस डेट को ये रिकमेंडेशंस थी, तो ये इस तरह की फीचर्स अवेलेबिलिटी देता है। और इसमें जो है आपकी क्लेम्स भी आ जाती हैं, फिजिशियंस रिकॉर्ड भी आ जाता है और सारा कुछ इसमें मैनेज होता है, और कंपनी इंश्योरेंस को भी डाटा शेयर किया जाता है। तो ये था हमारे पास ई एच आर एंड वर्सेस प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की डिटेल्स। तो इसमें जब आ जाते हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अगर आ जाते हैं, तो एडवांस एमडी है, क्रोनो है, डॉक्टर क्रोनो है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्रैक्टिस सूट है, नेक्स्ट जेन हेल्थ केयर है, कैरियो है, प्रैक्टिस फ्यूजन है, सिंपल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसको सिंपल प्रैक्टिस का नाम दिया गया है, और कोलैबोरेट एमडी है, प्रैक्टिस सूट, अमेजिंग चार्ट है, उसके बाद एडवांस एमडी है, ग्लोबल पेमेंट कंपनी है, और डॉक्टर क्रोनो जो है वो मोस्टली यूज़ होता है। इसके ऊपर हम आगे भी चल के बात करेंगे। तो यहाँ तक की आज की वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजीज, एक्रोनियम्स और फर्दर एक्सपेक्ट्स। तो स्टे ट्यून्ड टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।